हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर बरोट, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गुजरात शोरूम मयूर पर। हालांकि अभी कुछ दलगुना कॉफ़ी का बहुत ट्रेंड चल रहा है गाइस, तो हमने भी सोचा चलो भाई इसको बनाई जाए, घर पे बनाई जाए, कैसे बनाते हैं, कैसे उसको क्या यूज़ करना है, उसमें आप सबको उसकी रेसिपी दिखाई जाए ताकि आप सबको भी पता चले और आप सब उसका एंजॉय भी कर पाए। ओके गाइस, तो उसके साथ हमने यूज़ किया है ओरियो का, जो कैडबरी आता है उसको भी यूज़ किया है, कैडबरी सिल्क ओरियो, तो उसका भी एक बड़ा अलग मज़ा होता है गाइस, राइट। तो हमने उसको यूज़ किया है, तो चलो उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, क्या करना है, कैसे क्या फुल रेसिपी है, राइट। तो अपनी वाइफ के साथ मैं बना रहा हूँ ये, आशा है आप सबको वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही देखता हूँ, यही बोलता हूँ आप सबको कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर ऐसी जो नई वीडियो आएगी तो उसका लिंक आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा। ओके, तो लेट्स गो टू किचन। तो गाइज, अभी हम लोग आ गए किचन में, हमने ले लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले ओरियो चॉकलेट जो हमने ले लिया है, शुगर ले लिया है, कॉफ़ी ले ली है, और गरम पानी करना है पतीली में, राइट। जो स्पून हम शुगर के लिए यूज़ करेंगे वही कॉफ़ी के लिए यूज़ करेंगे और सेम पानी के लिए यूज़ करेंगे। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट अभी। ओके, सबसे पहले पानी गर्म करेंगे गैस पर। ओके, पानी गर्म होते हुए देखते हैं। ओके, डन। नाउ, चार चम्मच जो हम लेंगे कॉफ़ी लेंगे, 1, 2, 3 and 4। ओके गाइस, हो गए चार चम्मच। अभी चार चम्मच शुगर ले लेंगे, 1, 2, 3 and 4। जितने चम्मच कॉफ़ी लेंगे उतने ही चम्मच शुगर लेना है गाइस, और उतने ही चम्मच पानी लेना है, राइट। पानी गर्म हो गया यहाँ पर, अभी पानी को चार चम्मच डालेंगे अंदर बाउल में। बाउल थोड़ा बड़ा लेना है गाइस। ओके, 3, 4, राइट। अभी चार चम्मच पानी डालने के बाद आपको इसको कुछ इस तरह से शेक करना है गाइस, कंटिन्यू इसको शेक करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, कंटिन्यू 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 शेक करते रहना है, थोड़ी देर शेक करते रहना है गाइस, 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये जो है गाढ़ा बन जाए। डालगोना कॉफ़ी इसी को बोलते हैं। एक्चुअली ट्रेजेडी इसका ये है कि इसको आप जितना हिलाओगे, जितना शेक करोगे, जितना ज़्यादा शेक करोगे उतना ये गाढ़ा बनता जाएगा। और द मोस्ट ट्रेजेडी क्या है कि जितना ये साइज आपने डाला है उससे डबल हो जाएगा ये, राइट। तो अभी हम इसको देखते हैं, कंटिन्यू शेक करते जाना है, जब थक जाओ तो किसी और को दे दो, राइट। कंटिन्यू शेक करते जाना है, शेक 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 शेक। ओके, ये बन गया एक्चुअली, राइट। एक्चुअली काफ़ी हद तक तैयार है, काफ़ी गाढ़ा बन चुका है, ये डबल हो चुका है। मान लो चार चम्मच कॉफ़ी डाली थी तो ये भी 8 चम्मच हो गई है गाइस, राइट। चार चम्मच शुगर डाली थी तो अभी 8 चम्मच इसमें हो गई। इसको आप टेस्ट कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली टेस्ट इसको लगेगा, राइट। ये रेडी हो चुका है गाइस, ये जो पल्प है। अभी ओरियो भी रेडी हमारे साथ, चॉकलेट, राइट। चॉकलेट का सिर्फ एक ही पीस चाहिए गाइस, बहुत सारे पीस नहीं चाहिए। हालांकि हमने एक ही कप बनाई है कॉफ़ी, थोड़े से, हाँ यस, राइट, दैट्स इट। कॉफ़ी उसके टुकड़े कर दिए, चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि इसको सर्व किया जाए, राइट, अच्छे से। अभी इसको क्या करेंगे, अपन ग्लास में डालेंगे, ग्लास में निकाल लेंगे कॉफ़ी को कुछ इस तरह से, अच्छे से निकालेंगे। पूरी कॉफ़ी निकाल लेनी है गाइस, जो पूरा पल्प निकला हुआ है उसको निकाल लेना है अच्छे से। ओके, राइट, अच्छे से निकाल लेना है पूरा जो पल्प आ गया अच्छे से। ओके, यस, इट्स रेडी गाइस, राइट। पूरा पल्प आ गया है, दूध गरम कर रखा है, चॉकलेट्स भी रेडी है, राइट। दूध गरम हम अंदर डालेंगे थोड़ा साइड में से, राइट। बहुत डिलीशियस दिख रहा है गाइस ये मुझे, राइट। अभी जो चॉकलेट्स के जो पीस थे छोटे छोटे हमने बनाए थे उसको उसके ऊपर थोड़ा सर्व करेंगे, राइट गाइस। अगर आपको सिरप चाहिए, चॉकलेट सिरप, वो भी यूज़ कर सकते हो। हमारे पास हालांकि ओरियो चॉकलेट था तो हमने वो यूज़ किया है, राइट। ओरियो वैसे बहुत पसंद है मुझे खुद को, इसलिए मैंने वो यूज़ किया है, राइट। इसको डाल दिया है हमने, अब ये हो गया है रेडी, राइट, सर्व करने के लिए रेडी गाइस। सो इट्स रेडी, लेट्स ड्रिंक इट।
तो कॉफ़ी इज़ रेडी गाइस। आपने पूरी रेसिपी देख ली होगी हमने कैसे बनाया। अब आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉफ़ी कैसी लगी, आपने कैसी बनाई है। आप फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं हमें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस करें ताकि जो हर एक नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले आ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। और ऐसे ही आपने जो सब्सक्राइबर और व्यूज़ दिए उसके लिए भी आपका दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिएगा और मुझे चैनल ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। आप भी कॉफ़ी बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और बताना कैसी लगी। ओके, थैंक यू गाइस।